दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ। मैं हूँ शिव। सीता माता जी को जब अचानक सूचना मिली कि उनके ससुर दशरथ जी का देहांत हो गया है तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और जो कर्तव्य थे वो तो उन्हें निभाने ही थे। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया और कहा कि जंगल में जाओ और पिंडदान करने के लिए कुछ सामान ले आओ। लक्ष्मण जी जंगल चले गए और जंगल में पिंडदान करने के लिए कुछ सामान जुटाने लगे, पर सामान जुटाते जुटाते इतनी ज़्यादा देर हो गई कि लक्ष्मण जी आ नहीं पाए और सीता माता बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई। लक्ष्मण जी जंगल चले गए और जंगल में पिंडदान करने का सारा सामान जुटाने लगे, पर मुहूर्त निकला जा रहा था, समय निकला जा रहा था और सीता माता बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई। समय निकला जा रहा था पर लक्ष्मण जी टाइम पर नहीं आ सके, तो सीता माता ने सोचा कि क्यों ना मैं ही पिंडदान कर देती हूँ। तो उन्होंने आसपास कुछ पिंडदान करने वाली सामग्री इकट्ठा करी और दशरथ जी का वहाँ पर पिंडदान कर दिया। उसके बाद उन्होंने चार लोगों को इसमें साक्षी बनाया, जैसे कि फाल्गुनी नदी, एक पंडित, कौवा और गाय। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इन चारों से पूछा कि क्या सीता माता ने पिंडदान कर दिया है, तो ये चारों अपनी बात से मुखर गए और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। ये बात सुनते ही सीता माता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और जाके रोने लगी और उनको ये दुख देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप दुखी मत हो, मैं दशरथ जी की आत्मा को ही यही बुला लेता हूँ। तो तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीधे दशरथ जी का आह्वान किया तो दशरथ जी की आत्मा आ गई और तब उनसे पूछा गया कि क्या आपका पिंडदान हो गया है। तो फिर दशरथ जी ने कहा कि हाँ, सीता माता ने मेरा पिंडदान कर दिया है। तो सीता माता इन चार लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और इन चार लोगों को श्राप दे दिया। सीता माता इस अपमान से बहुत ज़्यादा दुखी थी तो इन चारों को श्राप दे दिया। सबसे पहले उस ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम्हारे पास कितना भी धन आ जाए तुम हमेशा दरिद्र ही रहोगे। उस कौवे को श्राप दिया कि तुम हमेशा अकेले जब भी खाओगे तो तुम्हारा पेट कभी भी नहीं भरेगा और जब भी समूह में खाओगे तो लड़ झगड़ के खाओगे। फाल्गुनी नदी को श्राप दिया कि कितना भी बरसात हो जाए, कितनी भी पानी आ जाए, तुम हमेशा सूखी ही रहोगे। और गाय को कहा कि तुम कितनी भी पूजनी क्यों ना हो जाए पर दर भटक भटक कर ही खाना खाओगी। तो ये सब चीज़ें आज भी देखने को कहीं ना कहीं हमको मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह मैं छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाता ही रहता हूँ। जय श्री राम।